मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। पठान पठान और पठान पठान को लेकर पहले बस बनाया गया, पहले बताया गया एडवांस बुकिंग हुई है, बम्पर कमाई हुई है, बम्पर रिकॉर्ड तोड़ देगी, काफी कुछ बस बनाया गया, लेकिन रिलीज हुए आज तीसरे दिन है और तीसरे ही दिन पस्त हो चुकी है पठान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जिस तरीके से फिल्म को लेकर जो है अचकले आ रहे थे, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बम्पर कमाई कर दी है, पहले दिन बाहुबली KGF सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन तीसरे ही दिन आते आते फिल्म का हाल बेहाल हो चुका है, क्योंकि तीसरे ही दिन सुस्त हो चुकी है पठान। आखिर कितना असर पड़ा है पठान फिल्म पर? बॉयकॉट ट्रेंड हो रहा था, इसके बाद जो है गाने पर कंट्रोवर्सी हुआ, इसके बाद अलग अलग जगह पोस्टर फाड़े गए और सबका मिला जुला अब जो रिस्पॉन्स है वो दिख रहा है। आपको बता दें कि KRK ने एक बात कही थी, KRK जो खुद को फिल्म क्रिटिक बताते हैं, उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी के बाद, उनका प्रेडिक्शन था कि 26 जनवरी के बाद ये फिल्म जो है क्रैश कर जाएगी, और कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से तीसरे दिन जो है बॉक्स ऑफिस पर पठान सुस्त पड़ गई और बाहुबली 2, दंगल इन सब का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है। पूरा माजरा समझते हैं। मिस्टर शाहरुख खान की फिल्म पठान का जलवा रिलीज के तीसरे दिन ठंडा पड़ गया है। लगता है इस फिल्म के नॉन हॉलिडे की वजह से नुकसान उठाना पड़ गया है। हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही इस फिल्म को लेकर जो बस बनाए गए, उससे जो उम्मीद है अब ना उम्मीद होती नजर आ रही है। तीसरे दिन पठान 200 करोड़ रुपए का कलेक्शन करेगी ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया है, क्योंकि फिल्म पूरी तरीके से सुस्त पड़ गई है। पठान के तीसरे दिन के कलेक्शन का खुलासा जो है कर दिया गया है। ट्रेंड एनालिस्ट रमेश बाबा के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में सिर्फ और सिर्फ 34 से 36 करोड़ रुपए जो है कलेक्शन किया है, और ये कलेक्शन दूसरी फिल्मों के मुकाबले बेहद 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 ज्यादा कम है। सिर्फ 34 से 36 करोड़ रुपए की कमाई तीसरे दिन की गई है। पठान जैसे फिल्म जिसे लेकर इतना बड़ा जो है आप बता सकते हैं कि माहौल बनाया गया, बस बनाया गया, अपने स्तर पे कदम बताया गया कि 5 लाख टिकट बिक गए, 10 लाख टिकट बिक गए, और यहाँ पर जो है फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर होने वाली है, लेकिन तीसरे ही दिन सीधा धड़ाम से 200 का कलेक्शन करने की बात कही जा रही थी, लेकिन सीधा देखिए कहाँ, धड़ाम से 30 करोड़ 34 करोड़ पर ये फिल्म गिर चुकी है, और आज जो है तीसरे दिन कमाई सिर्फ 34 से 36 करोड़ के बीच जो है की गई है। माना जा रहा है कि अपने तीसरे दिन की कमाई के साथ पठान नए रिकॉर्ड जो है नहीं बना पाएगी, और बाहुबली 2 और KGF 2 और दंगल जैसी फिल्मों के अपने तीसरे दिन बनाए गए रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगी, लेकिन अली जो है इंस्ट्रूमेंट में यह बात खारिज जो है कर दी गई है। बता दें आपको 27 जनवरी को छुट्टी नहीं थी, और इसी के चलते बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की पठान की रफ्तार धीमी पड़ गई है। दूसरे फिल्मों की बात करें तो फिल्म संजू ने अपने तीसरे दिन 46.71 करोड़ रुपए, बाहुबली 2 ने 46.5 करोड़ रुपए, KGF ने 42.9 करोड़ रुपए, टाइगर जिंदा है ने 45.53 करोड़ रुपए, और दंगल ने 41.34 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस पर कमाया था। हालांकि इन सभी फिल्मों का रिलीज का तीसरा दिन जो है हॉलीडे था, लेकिन अब आप देखिए पठान जो है बहुत बेहतर नहीं कर पाई, और ये चीज़ जो है साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। कमाई जो है नीचे गिर गई है शाहरुख खान की फिल्म ने। पिछले 3 दिनों में जो है रिकॉर्ड बनाने की बात कही गई। यशराज फिल्म्स ने बैनर तले बनी फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के बाद, बता दें कि पहले दिन जो है फिल्म ने 54 करोड़ रुपये की कमाई की थी, और ये कलेक्शन जो है 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा जो है पार करने की बात बताई जा रही थी। जब आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर तक रिलीज नहीं हुआ था, तभी फिल्म को OTT राइट्स बेच दिए गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस फिल्म के साथ एक्सपेक्टेशन है शायद पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि तीसरे दिन ही फिल्म की रफ्तार अब धीरी हो चुकी है। कहा जा रहा था कि हफ्ते भर बाद एक कैलकुलेटिव आप कह सकते हैं एस्टीमेट निकलता है कि फिल्म हिट हो रही है, फ्लॉप हो रही है, क्या चल रहा है फिल्म का हाल, लेकिन यहां पर साफ तौर पर देखने से यह पता चल गया है कि फिल्म का हाल जो है कुछ बेहतर नहीं हो पाया है, यानी साफ तौर पर फिल्म धीमे पड़ गई है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये था कि HD प्रिंट के साथ 2 अलग अलग वेबसाइट पर फिल्म को रिलीज कर दिया गया, लोग जो है वहां से फ्री में फिल्म को डाउनलोड कर रहे हैं, फ्री में देख रहे हैं, और हॉल में भी जो है टिकट भी, आपको बता दें कि शुरुआत में जब फिल्म पठान की बात आई थी तो बताया गया था कि टिकट के प्राइस भी ज्यादा रखे गए हैं, यानी टिकट के प्राइस भी ज्यादा है। दूसरा, वेबसाइट पर वो जो है ऑनलाइन वो ऑलरेडी HD प्रिंट के साथ जो है अलग अलग वेबसाइट पे वो लीक हो गई, तो वहां पर भी मेकर्स को भारी नुकसान हो गया। अब जो लोग फ्री में उसे डाउनलोड करके देख रहे हैं वो लोग भी थिएटर्स में नहीं आ रहे, किसी के लिए जो टिकट का प्राइस है वो ओवर प्राइस नजर आ रहा है, कुछ लोग ट्रेलर देख रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है, कुछ लोग सनातनी और हिंदू है तो वो उस फिल्म को उसके नाम और उसके अंदर जो
कंटेंट है उस वजह से उसको जो है मना कर रहे हैं। फिल्म को पहले ही जो है बॉयकॉट ट्रेंड चलाया गया, तो बॉयकॉट जो कर रहे हैं वो भी फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं। तो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रही फिल्म पठान, काफी कॉन्ट्रोवर्सी से होकर गुजरना पड़ा। पहला दिन अच्छी शुरुआत रही, दूसरे दिन भी ठीक ठाक चली, लेकिन तीसरे दिन आते आते फिल्म की जो आप कह सकते हैं कि लुटिया है वो डूबती हुई नजर आ रही है। और अभी तक आपको बता दें कि फिल्म को लेकर जिस तरीके से ये धीमी गति इन्होंने पकड़ी है, इससे मेकर्स को भारी भरकम नुकसान हो सकता है। और यही कारण था कि कहीं ना कहीं मेकर्स को अंदाजा था, शाहरुख खान को खुद भी पता था कि ये बॉयकॉट ट्रेंड का और ये बेशरम रंग गाने में भगवा बिकनी को लेकर जिस तरीके से कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है उससे फिल्म पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। उन्होंने कई सारे सेशन रखे, लगातार ट्विटर पर लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे थे, यू कैन आस्क एनी थिंग फ्रॉम SRK, ये वाला सेशन भी चलाया था जहां लोग अलग अलग तरीके सवाल अलग अलग चीजें जो है पूछ रहे थे जो है शाहरुख खान से, शाहरुख खान उनको जवाब भी दे रहे थे। तो अलग अलग सेशन जो है वो रखे गए, अलग अलग चीजें जो है उनके लिए की गई, लेकिन इसके बावजूद फिल्म पूरी तरह से जो है पिट गई है। इसके बावजूद पठान फिल्म जो है थर्ड डे का कलेक्शन जो है वो बुरी तरह से गिर गया है, और ये बता रहा है कि फिल्म के हालात जो है ठीक नहीं है। अब ऐसे में आपको बता दें कि सुपरस्टार अपने आप को शाहरुख खान जो है सुपरस्टार लोग कहते हैं, कह रहे थे कि बहुत जो है फिल्म ऐसा कुछ ब्लॉकबस्टर कर जाएगी, कुछ रिकॉर्ड तोड़ जाएगी, धूम मचा जाएगी, लेकिन अब दो दिन बाद धीमी रफ्तार हो गई है। कई सारे आपको मैंने बताया कि कॉन्ट्रोवर्सी रही है, लोग ट्विटर पर जब बॉयकॉट कर रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने कई सारे चीज़ें पाकिस्तान प्रेम बताया, पाकिस्तानी एक्ट्रेस को उन्होंने लॉन्च किया ये बताया, पाकिस्तान को फंड रिलीज किया ये बताया। तो काफ़ी कुछ लोगों के पास भी अपने थे, दीपिका पादुकोण के लिए JNU में जिस तरीके से छात्रों के साथ वो खड़ी थी वो रीजन था, जिस तरीके से भगवा बिकनी उन्होंने पहना वो रीजन था, गाने में जो बेशरम रंग कहा गया वो रीजन था। तो काफी कुछ रीजन था जिस वजह से फिल्म को बॉयकॉट किया जा रहा था, और इसके बाद बॉयकॉट ना हो इसकी भी मांग उठाई गई थी कि बॉयकॉट ना हो। शाहरुख खान ने तो हेमंत विश्व शर्मा को फोन तक लगा दिया था ताकि जिस तरीके से फिल्म को लेकर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं इस पर एक चेक रखा जाए। तो इस पर जो है उन्होंने ध्यान अभी रखने की बात कही, सारा कुछ जो हुआ उसके बाद भी फिल्म का हाल जो है बेहाल नजर आ रहा है और मेकर्स को काफी नुकसान होता नजर आ रहा है। अब तीसरे दिन फिल्म के हाल ये है, तो आने वाले समय के साथ फिल्म का हाल क्या होगा ये सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, या यूं कहिए कुछ कह रही है कि हो सकता है कि वीकेंड नहीं था, छुट्टी नहीं थी इस वजह से नहीं, लेकिन आज वीकेंड है, कल भी वीकेंड है, तो ऐसे में अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इन दो वीकेंड में फिल्म क्या कर पाती है, कुछ कमाल कर पाती है कि नहीं, रिकॉर्ड बना पाती है कि नहीं, जिस तरीके से माहौल बनाया गया था फिल्म उस मापदंड पर उतर पाती है कि नहीं, फिल्म किस तरीके का काम करेगी। अब इस दो वीकेंड जो है पड़ रहे हैं, इसके बाद ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। लेकिन तीसरे दिन की अगर बात करें तो फिल्म अब सुस्त पड़ चुकी है, लोग फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं, कई सारे हॉल खाली है, एडवांस बुकिंग की भी पोल खुल गई थी, जितना इन्होंने बस बनाया कुछ भी नहीं था कई जगहों पर, दिल्ली NCR में तो ज्यादा से ज्यादातर हॉल में सारी जो है खाली थी, पूरे सीट जो है ग्रीन थे। तो सारी चीजें जो है देखने के लिए मिली है फिल्म पठान को लेकर, और पठान जो है अब बुरी तरह से पिट गई है। अब दो दिन ये डिसाइडिंग दिन हो सकता है कि पठान फिल्म आगे चलेगी नहीं चलेगी, रिकॉर्ड काम कर पाएगी नहीं कर पाएगी, जिससे कि हम आपको अपडेट रखें। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।